क्लासेस आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या यूज होता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता क्या है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन इज दैट रेडियस एट विच हीट ट्रांसफर रेट इज मैक्सिमम। ओके, जब हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम होगी तो क्या मिनिमम होगा, थर्मल रेजिस्टेंस इज मिनिमम। ओके, ये डेफिनेशन हो गई क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं हम। मैंने एक सॉलिड वायर लिया, सपोज ये सॉलिड वायर है। ओके, इसकी मैं सेंट्रल एक्सिस शो कर देता हूं, ये सेंट्रल एक्सिस हो गई। ओके, ये मेरा सॉलिड वायर हो गया। इसके चारों ओर हम अलोंग द लेंथ एक इंसुलेशन रैप करते हैं। मैं जस्ट आपको एक एनालिसिस करने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये मैंने इंसुलेशन रैप आउट कर दिया अलोंग द लेंथ। ठीक है, इस सॉलिड वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है आई। इंसुलेशन की मैंने थर्मल कंडक्टिविटी के अज्यूम कर ली। ओके, बाहर एम्बिएंट है, एम्बिएंट का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच और एम्बिएंट टेम्परेचर टी इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मैं क्रॉस सेक्शन बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। ये मेरा वायर हो गया, सॉलिड वायर। ठीक है, जिसकी रेडियस मैंने आर आई कंसिडर की। ओके, इसके चारों ओर मैंने एक इंसुलेशन को रैप किया। अब मैं क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसकी रेडियस मैंने आर नॉट मान ली। ठीक है, एट स्टडी स्टेट कंडीशन मैं वायर के सरफेस पे टेम्परेचर क्या ले रहा हूं, टी आई, और एम्बिएंट टेम्परेचर मेरा टी इन्फिनिटी है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो हीट कंडक्ट होगी वायर से इंसुलेशन, वो कैसी होगी, रेडियल हीट, रेडियल, लाइक दिस। ओके, इंसुलेशन से एम्बिएंट में जो हीट ट्रांसफर होगी वो कन्वेक्शन की वजह से होगी। ओके, कन्वेक्शन की वजह से, लाइक दिस। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, हीट जब फ्लो कर रही है तो हीट ट्रांसफर कौन सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है, फर्स्ट रेजिस्टेंस वो इस एनुलर स्पेस में फेस करेगी, डैट विल बी कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा। फिर जब ये एम्बिएंट में जाएगी तो सरफेस पे कौन सा रेजिस्टेंस फेस करेगी, सरफेस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आपको क्लियर हो गया, एक मैंने सॉलिड वायर लिया जिसकी रेडियस आर आई है, सरफेस टेम्परेचर टी आई है एट स्टडी स्टेट कंडीशन, मीन्स टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ओके, रेडियल हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर फर्स्ट कंडक्शन रेजिस्टेंस फेस करेगी, फिर आउटर सरफेस पे, इंसुलेशन के आउटर सरफेस पे सरफेस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस फेस करेगी। इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी हमने के अज्यूम की है। ओके, अब इसके लिए हम अगर टोटल हीट फ्लो रेट निकालें तो वो क्या होगा, टोटल हीट फ्लो रेट कैसे निकालते हैं, हम एक थर्मल सर्किट बना लेते हैं। थर्मल सर्किट को देखते हैं, ये मैंने थर्मल सर्किट ड्रॉ किया। ओके, ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ कंडक्शन रेजिस्टेंस, ये मेरा दूसरा कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हुआ। ओके, ये मेरा टी आई सरफेस टेम्परेचर हो गया ऑफ सॉलिड वायर, और आउटर एम्बिएंट टेम्परेचर ये टी इन्फिनिटी हो गया। ये कंडक्शन रेजिस्टेंस हुआ और ये कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हुआ, सरफेस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होगा, एल एन आर नॉट अपॉन आर आई अपॉन
पाई के एल, ये होगा ठीक है। कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा, वन अपॉन एच, आउटर सरफेस एरिया कितना होगा, टू पाई आर नॉट एल, सिलेंडर का आउटर सरफेस एरिया क्या होता है, टू पाई आर नॉट एल, ठीक है। एच ए, एच ए हो गया ठीक है, वन अपॉन एच ए, ये मेरा कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा कंडक्शन रेजिस्टेंस हो गया, ओके। तो हीट ट्रांसफर रेट कैसे निकालते हैं हम, हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला होता था, हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, राइट, ये होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में जब करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर तो हीट जनरेट होगी, इसका सरफेस टेम्परेचर हमने टी आई अज्यूम कर लिया, तो हीट क्या करेगी, इनसाइड से आउटसाइड फ्लो कर रही है, मीन्स टी आई इज ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी, टी आई इज ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, टी आई माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, एल एन आर नॉट अपॉन आर आई अपॉन टू पाई के एल प्लस वन अपॉन एच टू पाई आर नॉट एल, क्लियर हो गया, ये मेरा क्यू का फॉर्मूला आ गया, मैंने हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट कर लिया, एल एन आर नॉट अपॉन आर आई अपॉन टू पाई के एल प्लस वन अपॉन एच टू पाई आर नॉट एल, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, टी आई टी इन्फिनिटी फिक्स है, आर आई रेडियस ऑफ वायर इज ऑल्सो फिक्स्ड, थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो फिक्स्ड, लेंथ इज ऑल्सो फिक्स्ड, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इज ऑल्सो फिक्स्ड, टू पाई ऑल्सो फिक्स्ड, तो इसमें सारे पैरामीटर्स को हम कॉन्स्टेंट लेते हुए आर आई को वेरिएबल कंसिडर करेंगे, मीन्स हमारा हीट ट्रांसफर किस पर डिपेंड कर रहा है, अगर अदर पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट हैं तो हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ओके, मीन्स क्यू इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, आर नॉट की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, आर नॉट की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, हाउ मच इंसुलेशन इज बींग रैप्ड, हाउ मच इंसुलेशन इज बींग रैप्ड अराउंड द वायर, इस पर डिपेंड करेगी, अराउंड द वायर, जितना ज्यादा इंसुलेशन लगाएंगे उतना ज्यादा इसका आउटर रेडियस बढ़ेगा, मीन्स आर नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, ओके। अब माई डियर फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्व करिए, ये जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है, इसमें एक आर नॉट न्यूमरेटर में और एक आर नॉट डिनोमिनेटर में, इट मीन्स अगर मैं आर नॉट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, मेरी एक टर्म टोटल थर्मल रेजिस्टेंस की बढ़ेगी और एक टर्म मेरी डिक्रीज करेगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक टर्म मेरी ज़्यादा बढ़ेगी और एक टर्म कम बढ़ेगी, एक टर्म मेरी ज़्यादा बढ़ेगी, दूसरी टर्म मेरी कम डिक्रीज होगी, दोनों अपोजिट है ना, अगर मैं आर नॉट की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो एक टर्म मेरी ज़्यादा बढ़ेगी, दूसरी टर्म मेरी कम बढ़ेगी, कम डिक्रीज होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये मैं आपको क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की ग्राफ में बताऊंगा, कब कौन सा फर्स्ट टर्म बढ़ेगी या सेकंड टर्म डिक्रीज करेगी, मीन्स डोमिनेंट कौन सा होगा, इफेक्ट डोमिनेंट किसका होगा, कंडक्शन रेजिस्टेंस का होगा या कन्वेक्शन रेजिस्टेंस का होगा, लेकिन हम क्या लेकर चलेंगे, जब हीट ट्रांसफर को एनालाइज करेंगे हम देखेंगे टोटल थर्मल रेजिस्टेंस का क्या ओवरऑल इफेक्ट रहता है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस का क्या ओवरऑल इफेक्ट रहता है, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे अपना हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, आपको पता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की डेफिनेशन क्या है, रेडियस एट विच हीट ट्रांसफर रेट इज मैक्सिमम, तो अगर हीट ट्रांसफर रेट को मैक्सिमम मुझे फाइंड आउट करना है तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म मिनिमम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर वाली टर्म मिनिमम होनी चाहिए, यू कैन सी है, इफ ये अगर डिक्रीज करेगा तो ये बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो मेरा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए फॉर गेटिंग
हायर हीट ट्रांसफर फॉर गेटिंग मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट। ओके, तो आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा, उसमें हम फाइंड आउट करते थे, एक प्रोसीजर होता था कि पहले मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डी फंक्शन ऑफ डी बाई डी एक्स और फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, वहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, उसमें एक्स की वैल्यू पुट ऑन करते हैं, अगर वो हमारा ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमम और लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम। मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम्स में क्या करते थे, मैक्सिमा मिनिमा कोई मेरा फंक्शन है एक्स, ठीक है, एफ एक्स, एक्स का वेरिएबल है, तो हम फाइंड आउट करते थे डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये फाइंड करते थे, इसे जीरो रखते थे, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर मैं डी टू एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ, या मैं ये फाइंड आउट करता हूँ, इसमें मैं एक्स की वैल्यू को पुट ऑन करूँगा, इफ अगर डी टू एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो मीन्स केस मेरा मिनिमा का है, मिनिमा, और डी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो तो ये मैक्सिमा का केस है। ओके, तो अब थोड़ा सा मैथ्स देखते हैं हम, और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। ओके, मीन्स फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, अभी मुझे नहीं पता है मेरा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आर के टर्म में क्या आएगा, हम देख लेते हैं, डी थर्मल रेजिस्टेंस, इसे मैं आर थर्मल रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं टोटल, अपॉन डी आर नॉट। ओके सॉरी, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, वन अपॉन टू पाई के एल कॉमन हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, एल एन एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, और आर नॉट अपॉन आर आई का करेंगे तो यहां मिलेगा हमें वन अपॉन आर आई। ओके, प्लस इसमें एच टू पाई एल कॉन्स्टेंट है तो ये मैंने भार ले लिया, टू पाई एच एल वन अपॉन टू पाई एच एल, आर नॉट टू द पावर माइनस वन का क्या होगा, माइनस वन आर नॉट टू द पावर माइनस टू होगा, ठीक है, मीन्स आपको पता होगा एक्स टू द पावर एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व करते से आर आई से आर आई कैंसिल आउट हो गया हमारा, वन अपॉन टू पाई के एल इंटू वन अपॉन आर नॉट माइनस टू पाई एच एल इंटू आर नॉट स्क्वायर, ये आ गया राइट, ये आ गया, इसे सॉल्व करते हैं, इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, वन अपॉन टू पाई के एल आर नॉट वन अपॉन आर नॉट वन अपॉन टू पाई एच एल वन अपॉन आर नॉट स्क्वायर, देखिए टू पाई कैंसिल हो जाएगा एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा के वन अपॉन के बचा, एक आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा वन अपॉन एच इंटू आर नॉट, तो यहाँ से मुझे क्या मिला आर नॉट इज इक्वल टू के अपॉन एच। माई डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक वायर की एनालिसिस कर रहे हैं, वायर के ऊपर इंसुलेशन को रैप कर रहे हैं, वायर यहां पर क्या होगा सिलिंड्रिकल शेप, तो सिलिंड्रिकल शेप के केस में आया आर नॉट इज इक्वल टू के बाई एच, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस मिनिमा है, मिनिमम है या मैक्सिमम है, क्योंकि जब तक ये मिनिमम नहीं होगा तब तक ये ट्रांसफर मैक्सिमम नहीं होगा, तो मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे डी टू आर थर्मल रेजिस्टेंस अपॉन डी आर नॉट स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, ये वाली टर्म मेरी डी आर थर्मल रेजिस्टेंस अपॉन डी आर नॉट निकल है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टू पाई के एल एज इट इज, आर नॉट टू द पावर माइनस वन का क्या होगा वन माइनस वन इंटू आर नॉट टू द पावर माइनस टू, माइनस वन अपॉन टू पाई एच एल आर नॉट टू द पावर टू का क्या होगा माइनस टू आर नॉट माइनस थ्री होगा। ओके, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस वन अपॉन टू पाई के एल आर नॉट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट वन अपॉन पाई एच एल इंटू वन अपॉन आर नॉट टू द पावर क्यू। ओके, अब इसमें हम आर नॉट की वैल्यू पुट ऑन करते हैं, आर नॉट की वैल्यू पुट ऑन करते हैं, ये आर नॉट की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर,
और देखते हैं 1/2 πkHkl आर नॉट स्क्वायर को रखेंगे के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1/πhl, ये हो जाएगा के क्यूब अपॉन एच क्यूब, ये हुआ एच स्क्वायर न्यूमरेटर में क्या माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2πl के क्यूब प्लस एच क्यूब अपॉन पाई, एक एच कैंसिल आउट भी हो जाएगा तो ये बचा एच स्क्वायर, एक एच इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको यहाँ एच स्क्वायर न्यूमरेटर में मिलेगा, ओके पाई एल के क्यू। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस हाफ, ये टर्म बिल्कुल सेम है तो ये क्या हुआ 1 - 1/2 एच स्क्वायर अपॉन पाई एल क्यू मैंने कॉमन ले लिया, ओके तो ये क्या है पाई एच स्क्वायर अपॉन टू पाई एल क्यूब, राइट 1 - 1/2 कितना होगा 1/2 होगा तो एच स्क्वायर अपॉन 2πl³ आ गया। माय डियर फ्रेंड्स ये पॉजिटिव टर्म आई है, इट मींस मेरा डी टू आर थर्मल रेजिस्टेंस अपॉन डी आर नॉट स्क्वायर क्या आया पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो आया, किसका केस हो गया मिनिमा। इट मींस मेरा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस क्या आया मिनिमम, किस पर मिनिमम आया एट आर नॉट इज इक्वल टू के बाई एच, तो इसे मैं क्रिटिकल रेडियस बोल सकता हूं क्योंकि मैंने क्रिटिकल रेडियस को डिफाइन किया था जिस रेडियस पर मेरा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगी, इस रेडियस पर मेरा रेजिस्टेंस मिनिमम आया तो क्या हो गया इस रेडियस पर मेरी हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो गई, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम। ओके तो हमने क्या देखा अभी सिलिंड्रिकल शेप के आइटम या वायर के केस में हमारी क्रिटिकल रेडियस आर नॉट इज इक्वल टू के बाई एच आया, इसे याद रखना है फॉर्मूलेज में यूज होगा एग्जाम में यूज होगा, क्रिटिकल रेडियस हमारा क्या हुआ के बाई एच, आपको ये वाला याद करना है। ओके इन द केस ऑफ सिलिंड्रिकल, इन द सिलिंड्रिकल केस माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये केस स्फेयर का होता, तो क्रिटिकल रेडियस हमारी क्या आती फॉर स्फेयर क्रिटिकल रेडियस विल बी 2 times ऑफ के बाई एच, आप ड्राइव कर सकते हैं ठीक है, तो आपको स्फेयर का भी याद रखना है 2k/h, क्रिटिकल रेडियस मींस यहां पर आपका हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम है और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इज मिनिमम। ओके आपको क्रिटिकल रेडियस समझ में आ गया, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये क्लियर हो गया। अब माय डियर फ्रेंड्स हम मूव करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस की ओर, जिससे काफी सारी प्रॉब्लम्स उठती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके तो अब हम देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का, बट क्वेश्चन में क्रिटिकल रेडियस ऑफ डायमीटर भी पूछ सकता है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ थिकनेस भी पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने से पहले मैं आपको रेजिस्टेंस लिख देता हूं, टोटल रेजिस्टेंस क्या था हमारा, टोटल रेजिस्टेंस वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ये था कंडक्शन रेजिस्टेंस था एल एन आर नॉट अपॉन आर आई अपॉन 2πkl, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस 1/h 2πr0l, ये था ठीक है। ओके समराइज कर देता हूं मैं, ये मेरा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हो गया और क्रिटिकल रेडियस क्या थी मेरी फाइंड आउट करने पर के बाई एच, किस केस में सिलिंड्रिकल केस में और स्फेरिकल केस में 2k/h। ओके ये सिलिंड्रिकल केस हो गया, सिलिंड्रिकल केस और ये स्फेरिकल केस में आर सी आर माइनस आर आई सेम रहेगा, बट
आरसीआर का क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला सिलिंड्रिकल केस में डिफरेंट होगा और स्फेरिकल केस में डिफरेंट होगा, और थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेशन की है। ओके, आप फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए यहां दो थर्मल रेजिस्टेंस है मेरे, एक कंडक्शन है एक कन्वेक्शन है। अगर मैं आर नॉट की वैल्यू को बढ़ाता हूं, ये रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा, ये रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज करेगा, बट पूरे जो भी रेडियस ऑफ इंसुलेशन होगी, सपोज इसकी आर नॉट है, आर नॉट सेंटर से यहां तक आर नॉट है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक इनमें से एक रेजिस्टेंस डोमिनेट करेगा, आफ्टर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन दूसरा रेजिस्टेंस डोमिनेट करेगा। ठीक है, मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। ये मैं पहले थर्मल रेजिस्टेंस का ड्रॉ कर रहा हूं, थर्मल रेजिस्टेंस, कंडक्शन रेजिस्टेंस मेरा स्लाइटली बढ़ेगा, ठीक है, स्लाइटली कंडक्शन रेजिस्टेंस मेरा स्लाइटली बढ़ेगा, आर नॉट की वैल्यू न्यूमरेटर में तो ये टर्म बढ़ेगी स्लाइटली, लेकिन यहां पर आर नॉट क्या है, डिनोमिनेटर में। यहां पर क्या होगा, मेरा कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। तो ड्रास्टिकली को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बड़ा बनाया है, और अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन रेजिस्टेंस को स्लाइटली बढ़ेगा, इसलिए मैंने स्लाइटली स्मॉल साइज का बनाया, स्मॉल साइज का बनाया। ओके, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, ओवरऑल इफेक्ट जो होगा रेजिस्टेंस मेरा, ओवरऑल इफेक्ट रेजिस्टेंस पे मेरा ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज करेगा, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। आप देख सकते हैं ए से ओ में टोटल थर्मल रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हीट ट्रांसफर क्या करेगा, हीट ट्रांसफर रेट मेरा इंक्रीज करेगा इस केस में। जब टोटल थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करेगा। आप देख सकते हैं यहां पर हीट ट्रांसफर मेरा इंक्रीज कर रहा है ए से ओ में टोटल थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है और हीट ट्रांसफर मेरा इंक्रीज कर रहा है अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, ये हुआ मेरा अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, और ओ पॉइंट ऑलरेडी डिमार्केट कर रहा है कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक है। ठीक है, अब हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स आफ्टर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या है, बी ओ से बी आफ्टर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये। इसमें क्या करेगा, जब मेरा आर नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस नाउ मेरा ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस मेरा स्लाइटली डिक्रीज करेगा, इसलिए मैं इसे स्मॉल बना रहा हूं और इस वाले साइन को मैंने बड़ा बनाया। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया, ओवरऑल इफेक्ट इस केस में मेरा रेजिस्टेंसेस में बढ़ गया, ठीक है, रेजिस्टेंसेस में बढ़ गया, और हीट ट्रांसफर के केस में डिक्रीज करेगा। आप देखिए हीट ट्रांसफर के केस में मेरा डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये आप इसे कंप्लीट कॉलम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस। आप देख सकते हैं आफ्टर क्रिटिकल रेडियस मेरा टोटल रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज कर रहा है, क्यों, कंडक्शन रेजिस्टेंस मेरा ड्रास्टिकली इंक्रीज कर गया है, ये वाली टर्म मेरी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर गई है, तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया, ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस।
अब माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये फेवरेबल किसके लिए होता है? फेवरेबल फॉर स्टीम पाइप्स, फेवरेबल फॉर स्टीम पाइप्स। और ये वाला जो रीजन होता है मेरा, ये वाला रीजन, ये होता है फेवरेबल फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग वायर्स और कंडक्टर्स। ओके, सेम यहां पर होगा, फॉर करंट कैरिंग वायर्स, और ये वाला रीजन जो होगा फेवरेबल फॉर स्टीम पाइप्स। ये क्यों, वो देख लेते हैं हम, क्यों होता है वो देख लेते हैं। पहला मैं केस जो लेकर चल रहा हूं, रेडियस ऑफ वायर आर आई इज लेसर देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन लेकर चल रहा हूं, ठीक है। दूसरा, रेडियस ऑफ वायर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन लेकर चलता हूं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट में इफ आर आई इज लेस देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इफ आर आई इज लेस देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इस केस में क्या होगा, आप जब इंसुलेशन को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इंसुलेशन, ऑन एडिंग इंसुलेशन, रैपिड, मैं जो ये प्रूव, ये शो किया है साइन के थ्रू, इसे मैं थोड़ा स्टेटमेंट वाइज भी लिख देता हूं, रैपिड डिक्रीज इन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस और स्लाइटली इंक्रीज इन कंडक्शन रेजिस्टेंस, ये हुआ आर कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या था? ओवरऑल इफेक्ट डिक्रीज इन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। जब मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, माय डियर फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया तो क्या होगा? आपको पता है, रेजिस्टेंस अगर मेरा डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगा, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज कर गई, मींस करंट अब ज्यादा फ्लो कर सकता है, क्योंकि वायर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, वायर मेल्ट नहीं करेगा, और करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वायर विल बी इंक्रीज्ड। हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया तो टेम्परेचर ऑफ वायर, टेम्परेचर ऑफ द वायर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वायर नहीं बढ़ेगा, या मैं इसे डिक्रीज टाइप से लिख देता हूं। इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वायर विल इंक्रीज, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मैं अभी इलेक्ट्रिक केबल्स की बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। फिर दूसरा एग्जांपल किसका होगा? मेरा स्टीम पाइप का। ओके, इस केस में जब मैंने इंसुलेशन को ऐड किया तो रैपिड डिक्रीज इन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हुआ, स्लाइट इंक्रीज इन कंडक्शन रेजिस्टेंस हुआ, ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? टोटल थर्मल रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज कर गया, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीज किया जिससे हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज कर गया, और टेम्परेचर ऑफ वायर डिक्रीज कर गया जिससे करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर इंक्रीज कर गई। ओके, और ये सिलसिला कब तक जारी रहा? ओवरऑल इफेक्ट डिक्रीज इन थर्मल रेजिस्टेंस, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज कर जाएगी, ये रहा अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। आफ्टर क्या होगा? अब देखते हैं, आफ्टर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ऑन एडिंग फर्दर इंसुलेशन,
इंसुलेशन को फर्दर ऐड करने पे आपका कंडक्शन रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली इंक्रीज कर गया और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आपका स्लाइटली डिक्रीज किया, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ आपका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, ओवरऑल इफेक्ट टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर रेट आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, आफ्टर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपकी हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज करेगी। ठीक है, एक केस ये हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो भी बनाई है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पर कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड, आप उसे सर्च कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में एचएमटी की प्लेलिस्ट हीट एंड मास ट्रांसफर में। दूसरा केस ले लेते हैं, अगर मेरी रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इफ रेडियस ऑफ वायर आर आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इसमें आप इंसुलेशन को रैप करिए, आपकी हीट ट्रांसफर, आपका हीट ट्रांसफर डिक्रीज ही करेगा, इसमें कोई सेकेंड कंडीशन नहीं बनेगी। इसमें आप ऑन एडिंग इंसुलेशन हीट ट्रांसफर रेट विल डिक्रीज, ऑन एडिंग इंसुलेशन हीट ट्रांसफर रेट विल डिक्रीज। और ये किस केसेस में किया जाता है, स्टीम पाइप्स के केसेस में। ओके, ये स्टीम पाइप के केसेस में किया जाता है क्योंकि वहां हम नहीं चाहते कि हमारी स्टीम कंडेंस हो। ओके, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि करंट कैरिंग वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए फेवरेबल रीजन AO रहेगा। मींस अगर क्वेश्चन में दे दे कि आपकी रेडियस ऑफ द वायर इज लेसर देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है और आप वायर की रेडियस, इंसुलेशन की रेडियस को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ऑफ कोर्स आपका हीट ट्रांसफर इंक्रीज करेगा, जिसे करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वायर विल इंक्रीज। ओके, और अगर स्टीम पाइप के केस में बोल दे कि आपकी रेडियस ऑफ द पाइप इज ग्रेटर देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, तो उस केस में अगर आप इंसुलेशन को रैप करते हैं, इंसुलेशन को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आपका हीट ट्रांसफर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपकी स्टीम कंडेंस नहीं होगी। ठीक है, जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें आपसे ऑब्जर्वेशंस के लिए भी बोलता है कि आप कमेंट्स कीजिए, तो आपको इसी तरह की कमेंट्स करने हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज रिंग द बेल। थैंक यू सो मच।